वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 पाठ 8 बा। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। जहां यातायात, जल निकास एवं विपणन की सुविधा हो, सबसे उपयुक्त स्थिति होती है किस चीज के लिए? बाग लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूं ताकि आपका जो है जल्दी से जल्दी ये सब कक्षा 6 का कृषि विज्ञान खत्म हो सके और कक्षा 7 का कृषि विज्ञान शुरू हो सके। कक्षा 8 कृषि विज्ञान के सारे वीडियो पहले से अपलोड हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फलदार वृक्ष होते हैं, कैसे होते हैं? बहुवर्षीय। बाग लगाने की प्रचलित विधि है, सबसे प्रचलित कौन सी है? वर्गाकार विधि है बच्चों। उसके बाद कह रहा है पौध रोपण का उपयुक्त समय है, तो पौध रोपण का उपयुक्त समय क्या है? जुलाई अगस्त, जो अभी हमारा चल रहा है बच्चों, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। नेक्स्ट कह रहा है पौध रोपण हेतु पौधे क्रय करते हैं, तो कितने वर्ष तक के पौधे क्रय करने चाहिए? एक वर्ष तक के जो पौधे हों उन्हीं को हमें क्रय करना चाहिए, उससे ज्यादा के पौधों को हमें क्रय नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौध लगाते समय मिट्टी में डैश दबाना चाहिए, तो देखिए अब यहाँ पे है तो हम यहाँ से लेंगे पिंडी तक और यहाँ भर देंगे पिंडी तक दबाना चाहिए। पौधों को गड्ढे के डैश में रोपित करना चाहिए, कहाँ रोपित करना चाहिए? केंद्र में रोपित करना चाहिए। नर्सरी हेतु क्यारियां जमीन से डैश होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बच्चों? ऊंची होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौध अधिक लगाने हेतु किस विधि को अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे षटभुजाकार विधि को अपनाना चाहिए। समवेष्टन क्षेत्र में डैश का रख रखाव करना चाहिए, किसका रख रखाव करना चाहिए बच्चों? पौधे का रख रखाव करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रोपण की यह विधि अपनाई जाती है, कौन सी अपनाई जाती है बच्चों? कंटूर विधि। नेक्स्ट कह रहा है बाग लगाने हेतु गड्ढों की खुदाई इस माह में करते हैं, किस माह में करते हैं? मई जून में कर लेते हैं और जुलाई में पौधे लगाते हैं। बाग के चारों तरफ लगाते हैं, तो बाग के चारों तरफ हम क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी की अपेक्षा पौध से पौध की दूरी अधिक होती है, कौन सी विधि है? आयताकार विधि है बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है षटभुजाकार विधि को या विधि भी कहते हैं, कौन सी विधि? समत्रिभाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सही पे सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पौध रोपण मई जून तक कर लिया जाता है, बिल्कुल गलत है बच्चों, जुलाई में किया जाता है। बाग की सुरक्षा हेतु चारों तरफ झाड़ी लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र में पौध रोपण कंटूर विधि से की जाती है, बरसात के समय गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट खाद डाली जाती है, सही है बच्चों। बाग लगाने की कंटूर विधि को पंचकोड़ी विधि भी कहते हैं, ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। रोपण क्यारी, तो रोपण क्यारी का संबंध किससे? पौध स्थानांतरण से। फिर कह रहा है पौधशाला, तो पौधशाला से संबंध किसका? संवेष्टन क्षेत्र का। फिर कह रहा है पौधा लगाने की विधि, इसमें से पौधा लगाने की विधि कौन सी है? पंचभुजाकार। नेक्स्ट कह रहा है बाग लगाने की तैयारी, तो बाग लगाने की तैयारी में हम किसका ध्यान रखते हैं? वायु वृत्ति का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है गमला क्षेत्र, गमला क्षेत्र में क्या होता है? बालू रखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि गलत उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बाग लगाने हेतु तो स्थान चुनाव में ध्यान दिया जाता है, तो किस पे ध्यान नहीं दिया जाता है? तो बलुई मृदा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बाग की आदर्श सफलता निर्भर करती है, तो किस पर नहीं निर्भर करती है? आदर्श पौधे पर नहीं निर्भर करती। यहाँ पे मैं गलत उत्तर पर निशान लगाना बच्चों, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। व्यावसायिक पौधशाला के लिए आवश्यक भाग नहीं है, तो सांकुर डाली जो है वो आवश्यक भाग है, तो हम लिखेंगे नहीं है। बाग में पौध प्रतिरोपण की वैज्ञानिक विधियां हैं, अब ये सब वैज्ञानिक विधियां हैं, तो यहाँ पे हमें गलत उत्तर देना है, तो हम देंगे सभी हैं। फिर कह रहा है बाघ हेतु चयन के बाद मानचित्र बनाकर सुनिश्चित करते हैं, तो सभी करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सभी। अब यहाँ पे बच्चों इनसे खुद गलती हुई है, कुछ इन्होंने सही उत्तर दे दिए हैं, कुछ इन्होंने गलत उत्तर दे दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनको सारे उत्तर गलत देने चाहिए थे, कुछ के इन्होंने सही डाल दिए, कुछ के इन्होंने गलत डाल दिए।
निम्नलिखित में बेमेल को छांटिए, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार। तो गोलाकार इसमें से अलग है, बाकी सब पेड़ लगाने की विधियां। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया और खली। इसमें से यूरिया जो है वो रासायनिक खाद है, बाकी सब जैविक खाद है। कटहल, अमरूद, केला, मात्र वृक्ष। तो देखिए ये मात्र वृक्ष से ये सारे पौधे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे मात्र वृक्ष अलग है। फिर कह रहा शंकु डाली, मूल वृंत, रोपड़, कली। यहाँ पे बच्चों रोपड़ अलग है, क्योंकि रोपड़ से ही शंकु डाली, मूल वृंत और कली का रोपण किया जाता है। वायुवृत्ति, झाड़ी, लताएं, वृक्ष। यहाँ पे वायुवृत्ति अलग हो जाएगा बच्चों, बाकी सब एक जैसे हैं। कह रहा परिस्थिति आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वह पौधा जो स्वस्थ, रोग, कीट मुक्त हो तथा उसकी कलिकाएं प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त होती हूं, उसको हम कहेंगे मात्र वृक्ष। वह स्थान जहां वानस्पतिक तरीके से पौध तैयार किए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? पौधशाला या नर्सरी। जहां यातायात, जल निकासी एवं विपणन की सुविधा हो, वह परिस्थिति उपयुक्त होती है किसके लिए? बाग के लिए। वह स्थान जहां पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है, वह विधि कहलाती कौन सी विधि? आयताकार विधि। वह पौधशाला जहां 1 से 5 साल तक के पौधे उपलब्ध हो, वहां से कितने वर्ष तक के पौधे बाग में लगाने हेतु क्रय करना उचित होगा? तो हमें कितने वर्ष तक के पौधे लेने चाहिए? 1 वर्ष तक के पौधे लेने चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाग की अवधारणा लिखिए। बाग वह स्थान है जहां शोभा, मनोविनोद या फल लेने हेतु अनेक प्रकार के पौधे लगाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पौधशाला के भाग लिखिए। तो पहला है सीड बेड, दूसरा रोपण क्यारियां, तीसरा संवेष्टन क्षेत्र, चौथा कार्यालय, पांचवा भंडार, छठा मालीगृह, सातवां खाद के गड्ढे। फिर कह रहा मात्र वृक्ष किसे कहते हैं? पौधशाला में अच्छी किस्मों के फल व वृक्ष लगाए जाते हैं, जिनसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उन्हें मात्र वृक्ष कहते हैं। पौधशाला में पौध तैयार करने की विधि लिखिए। पौधशाला में मात्र वृक्ष से शाख या कलिका लेकर या मूल वृंत के लिए बीज लेकर रोपण कर पौधे तैयार करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गमला क्षेत्र किसे कहते हैं? नर्सरी में गमले रखने का स्थान को हम गमला क्षेत्र कहते हैं। ये आंशिक रूप से छाया में होने चाहिए, खुले स्थान में भी हो सकते हैं और खाली गमले भी हो सकते हैं। मतलब तीन जगहों पे गमला क्षेत्र होते हैं, या तो आंशिक छाया में, या खुले स्थान में, या खाली गमले। कह रहा निम्नलिखित में अंतर लिखिए पौधशाला एवं बाग। पौधशाला में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं, जबकि बाग में किसी प्रयोजन से विशेषकर फल प्राप्त करने हेतु विशेष किस्म के पौधे लगाकर वृक्ष तैयार किए जाते हैं। आयताकार एवं षटभुजाकार रोपण विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है, चार पौधे मिलकर आयत बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आयताकार विधि का चित्र बनाया। पंच षटभुजाकार रोपण विधि में क्या होता है? शहर के निकट लगाने के लिए उपयोगी होता है। 6 वृक्ष आपस में मिलकर षटभुजाकार आकृति बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 वृक्ष मिलकर षटभुजाकार आकृतियां बना रहे हैं। इसमें वर्गाकार से 15% अधिक पौधे लगा सकते हैं। फिर हमसे कह रहा है वर्गाकार प्रश्न पहेली हल कीजिए। तो पहले हम नीचे हल कर लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज विधि को हम और क्या कहते हैं? षटभुजाकार विधि। बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि। पौध से पौध की अपेक्षा पंक्ति से की दूरी अधिक होती है, उसको हम कहते हैं आयताकार। तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पे पहला वाला षटभुजाकार, दूसरा हो गया हमारा वर्गाकार, और तीसरा हमारा आंसर हो गया आयताकार। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों बाएं से दाएं पूरक विधि, पंचभुजाकार विधि को हम पूरक विधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पंचभुजाकार। नेक्स्ट कह रहा है विधि जिसमें 3 पौधे त्रिभुज का निर्माण होता है, तो उसको हम कहेंगे त्रिभुजाकार विधि। और देखिए हम यहाँ पे भर देंगे 5 नंबर पे त्रिभुजाकार। नेक्स्ट कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपण की विधि कंटूर विधि, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे कंटूर। नेक्स्ट कह रहा है गुलाब की कलम तैयार करने की विधि एवं सावधानियां लिखिए। गुलाब की कलम पौधे की टहनी से काटी जाती है, इसकी मोटाई पेंसिल के बराबर होनी चाहिए, कलम से कम 4 से 5 कलिकाएं होनी चाहिए, ऊपरी छोर की को तिरछा और निचले छोर को सीधा काटकर जमीन में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाना चाहिए।
नेक्स्ट, वह रोपण विधि जहां चार पौधों के बीच एक और पौधा लगाया जा सके, उस विधि का नाम लिखिए एवं विशेषता भी लिखिए। देखिए यहाँ चित्र भी दिया हुआ था। तो पंचभुजाकार या पूरक विधि, इसमें पौधे ज्यादा लगा सकते हैं। इस पद्धति में पूरक फलों के रूप में पपीता व केला भी ले सकते हैं। बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि में चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ चित्र तो पहले से बना हुआ, हमें केवल अंतर लिखना है। तो ये वर्गाकार विधि है, पौधे से पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर होती है। इसमें क्या होता है, पहली पंक्ति वर्गाकार के समान पर दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के पौधों के बीच में लगे होते हैं। इसमें चार पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं और इसमें पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर होती है। इसमें पहली पंक्ति के पौधे से दूसरी पंक्ति के पौधे की दूरी अधिक होती है। फिर कह रहा है 15वां, अध्यापक की सहायता से शांकुर एवं कलिका का उपयोग करके एक पौधा तैयार करिए। तो ये आपको स्वयं करना होगा बच्चों। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।